के गठन के बाद बिहार विधानमंडल का पहला सत्र काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान कई वजहों से व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई, जिस पर काफी बवाल मचा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जब सीएम नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो इस पर सियासत तेज हो गई। इस पर बयानबाजियों का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है और इसी क्रम में अब राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार को उस बात की याद दिलाई जब साल 2015 में 80 सीटें होने के बावजूद महागठबंधन ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए ट्वीट लिखा, नीतीश कुमार कुतर्कों के योद्धा बन गए हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया, इनमें लोकलाज बची ही नहीं, बताइए सबसे बड़ी पार्टी और 80 विधायकों के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाना नीतीश ने कौन सा एहसान कर दिया। शुक्रगुजार आपको लालू जी का होना चाहिए जो आपको राजनीतिक जीवन दान प्रदान किया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टिप्पणी से आहत होते हुए मुख्यमंत्री ने गुस्से में सदन में खड़े होकर कहा था कि ये तेजस्वी यादव मेरे भाई समान दोस्त यानी कि लालू यादव का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। इनके पिता को लोकदल में विधायक दल का नेता किसने बनाया था इसको मालूम नहीं है, मगर ये सारी बात एक एक लोग जानते हैं। नीतीश ने आक्रोश में पूछा, इसे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम किसने बनाया था, ये चार्ज सीटेड है, इस पर अब कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है, हमने कहा था जवाब दे दो, ये आगे नहीं आया। इस पर हम महागठबंधन से अलग हो गए। नीतीश कुमार ने थोड़ी देर बाद शांत होते हुए कहा कि आगे बढ़ना है तो मर्यादा में रहना सीखना होगा। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की बातों का तेजस्वी यादव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि हमने सीएम नीतीश कुमार की कही कई बातों को जवाब दे दिया है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 1991 में सीएम नीतीश पर हत्या का मुकदमा चला जिसे बिना किसी पूछताछ के रफा दफा कर दिया गया, लेकिन बेटे के बचाव में आकर जिस तरह से राबड़ी देवी ने सरकार को घेरा उसने एक बार फिर सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।